सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 1.9 जो कि हमारी क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो एक्टिविटी 1.9 में आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको कहा है कि आपको 3 आयरन नेल्स लेनी है और उनको सैंड पेपर की हेल्प से जो है क्लीन करना है। सो क्लीन करने के बाद क्या करना है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए और बी दोनों में ही जो है हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जो है फिल करना है। सो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फिल कर देंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये हमारा ब्लू कलर का होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे को टेस्ट ट्यूब ए को तो जो है साइड में रख देना है और टेस्ट ट्यूब बी में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 3 आयरन नेल्स हैं इनमें से 2 आयरन नेल को जो है हम हमारे इस टेस्ट ट्यूब बी में जो है वो डिप कर देंगे। कितनी देर के लिए, 20 मिनट के लिए जो हमें 2 आयरन नेल्स को डिप करना है और 1 आयरन नेल को जो है हमें साइड में रख देना है। सो उसके बाद जो है 20 मिनट बाद क्या करना है, हमें हमारी आयरन नेल्स को टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालना है और जो सॉल्यूशन है हमारा टेस्ट ट्यूब बी में उसे टेस्ट ट्यूब ए से कंपेयर करना है कि सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंजेस आए। साथ ही जो हमारी आयरन नेल जो हमने डिप की हुई थी उसे जो हमारी आयरन नेल जिसे हमने साइड में रखा हुआ था उसके साथ कंपेयर करना है कि दोनों आयरन नेल्स में क्या चेंजेस आए। सो देखिए क्या होगा, 20 मिनट बाद जो हमारा आयरन नेल्स हैं, जो हमारी आयरन नेल्स हैं जो हमने डिप की हुई थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उनका कलर तो चेंज होके हो जाएगा ब्राउनिश कलर, राइट। और साथ ही जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसका कलर जो है वो फेड हो जाएगा एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में हमने कोई भी आयरन नेल डिप नहीं की थी तो उसका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो तो रहेगा ब्लू, और टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने जो है आयरन नेल्स को डिप किया था उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा फेड। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन मेटल है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जब हम आयरन नेल्स को जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये क्या करती हैं, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देती हैं और कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बनाती हैं फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट। और जो हमारा ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है ये होता है ग्रीन कलर का और इसी वजह से जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कि टेस्ट ट्यूब बी में था वो हमारा फेड होता है। क्यों होता है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की वजह से। और जो आयरन नेल्स हैं वो ब्राउन कलर की क्यों होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो ये कॉपर डिस्प्लेस हुआ है, ये कॉपर जो डिस्प्लेस हुआ है ये आयरन नेल्स की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है और डिपॉजिट होने की वजह से जो हमारी आयरन नेल्स हैं ये ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं। सो ये जो रिएक्शन है आयरन नेल्स की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जिसमें आयरन नेल्स ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बनाया फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो गया, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सो यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि जो आयरन है ये हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बनाता है। कैसे, देखिए यहां क्या हुआ, आयरन एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया उसके कंपाउंड से और अपना कंपाउंड बनाया फेरस सल्फेट। अब अगर यहां पे हमारे पास कंडीशन रिवर्स कर दें, अगर हम ले कॉपर को फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएं, अगर हम जो है कॉपर की फेरस सल्फेट से रिएक्शन करें तो क्या रिएक्शन होगी, तो इस केस में जो है रिएक्शन नहीं होगी। क्यों,
क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। सो ये चीज आपको बताने का मकसद ये था कि आप समझ जाएं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट करता है। सो उम्मीद है आपको एक्टिविटी 1.9 जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।